ये अंकल और एक ही अंकल, दो घर थे भाई, यहीं पे रात में था। अब किसी का डेट होगा तब वो लोग भी ऐसे आते हैं। जैसे एक का डेट हो गया, हम जिस दिन अब उसका डेट हो गया उसी दिन एक एक सौ रुपए भी लेके जाते। मेरे घर में पहले 500 लिखा है तो उसके घर में जैसे 600 से। अच्छा, एक प्रकार से जैसे जिसने 500 दिए तो वो भी अपना 500। ये कौन सा गाँव है, क्या नाम है? बैग टी दिया है कि बोला कि इसको अपना बना के पीना। पहुंच गए हैं और हमारे सामने थी, देखो यार टॉय ट्रेन। गाइस, आप सबका नए ब्लॉक में फिर से स्वागत है। तो भाई अभी हम हैं, 26 गांव है और ये जो है मिरिक से 6 से 7 किलोमीटर ऊपर एक 26 गांव है। तो भाई हम रात में, हमारा ये कुछ ऐसा टेंट लगा, हमारे जो होस्ट है। तो ये देखो भाई, ये चाय अभी मिली है, ये देखो भाई चाय है, ये कुर्सी डाल गए हैं धूप में बैठने के लिए। और रात को जो है यहाँ का टेम्परेचर ठंडी थी इतना ज़्यादा, ये देखो भाई पानी गिरा था, ठंडी थी भाई, कितनी ठंडी थी होगी, -2 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर रात को, -2 तक का। तो ये समझ लो भाई जो पूरा टेंट है ना, ये पूरा गीला हो गया था, इतना ज़्यादा ठंडी थी। तो अभी भाई पूरा ये देखो चाय वाय लेके आए सब, कुर्ती उर्ती। तो थोड़ा लेट में भी उठे अभी, कहा है कि 6:30-7 बज गया है अब, क्योंकि रात में ऐसे बातें करते करते 10 बज गया था यहीं पे अंकल आंटी से, और ये बगल में आंटी थी, इनसे सबसे मतलब बातें होते खूब सारी यहाँ कि कैसे क्या होता है सारा कुछ। तो भाई अब चाय वाय पीते हैं, फिर उसके बाद अपना टेंट वेंट फोल्ड करते हैं और फिर अपना जो है सफ़र की शुरुआत करते हैं। और आप भी बने रहिए वीडियो में और बहुत सारा प्यार दीजिएगा भाई। ये इस समय जो है वेस्ट बंगाल में ये 26 गाँव है, तो खूब सारा भाई। तो भाई भाई अभी जो है एक बार चाय पी चुके हैं, ये वाले भाई घर से आए थे, आंटी ने चाय दिया था। और अभी जो है अब इस वाले भाई घर में जो है चाय पी रहे हैं, ये देखो चाय है, अंकल ने चाय दिया है। और आंटी जो है वो गई है नेपाल, और भाई कल जो है रात में जो है ना यहीं पर जो है खाना वाना बनाया था, इस किचन में ये सब बर्तन वर्तन धुला था। और इधर से भाई बाहर से ये कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, तो यहाँ एकदम ऐसा लग रहा ना कि भाई जैसे हम अपने घर में घूम रहे हैं, इस घर में घूम रहे हैं, जब मन होता है इस घर में चले जाते हैं बगल में। तो ये दोनों जो घर है ना एकदम जैसे लग रहा ना अपना मोहल्ला है। और यहाँ वेस्ट बंगाल में आ करके ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम बाहर घूम रहे हैं, एकदम अपना घर जैसे। और चाय है और बिस्कुट है, आंटी को जो है नेपाल में काम था तो वो नेपाल गई हैं, और इधर अंकल को बता के गई इनको चाय नाश्ता पानी, वो खाना भी बन रहा है एकदम, मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं सारा कुछ। तो एकदम भाई घर जैसा माहौल लग रहा है। और ये देखो ये रोड है, यहाँ पे जैसे ये घर बना है और ये जीना है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर ये रूम, अरे ये देखो जैसे भाई ये रूम बना है, हम भी गिर गिर पड़ रहे हैं, ये रूम है। और ऐसे करके ये देखो भाई दूसरी रोड, पहाड़ों में कुछ ऐसे ही घर होते हैं, ये देखो भाई। तो अंकल क्या है ना, बार बार भाई हर 5 मिनट में ये जीना चढ़ के मतलब जा रहे थे हमको बुलाने की, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, रात में आए फ़ोन और मतलब कि इतना ज़्यादा अंकल ध्यान दे रहे थे कि जैसे अपने बेटे की तरह, मतलब चाय पी लो, नाश्ता, हर एक एक छोटी छोटी चीज़ें ध्यान कि आपका ये रह गया, आपका मतलब कि ठंडी तो नहीं लगी रात में, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, मतलब बहुत सारा ध्यान रखा अंकल ने। और अंकल तो बोल रहे थे कि यहाँ रूम में सो जाना, पर हमने कहा नहीं अंकल, हम टेंट लगा के सो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने मान लो ज़बरदस्ती ही टेंट लगाया, क्योंकि भाई टेंट लगाने में मज़ा आता है थोड़ा कैंपिंग करने में ना। तो अंकल तो बहुत कह रहे थे कि नहीं रूम में सो जाओ, रूम में सो जाओ, पर हमने ही जिद करके जो है अपना टेंट लगा के सोए थे। और ये भाई अंकल देखो बैठे हैं, तो ये चाय रखी है, बिस्किट रखी है, तो भाई चाय और बिस्किट, चाय पीते हैं और बिस्किट खाते हैं। यहाँ की जो है रोटी दिखाते हैं, ये देखो ये रोटी है, रोटी नहीं है ये, क्या है अंकल नाम, इसको क्या बोलते हैं इसको? हाँ जलेबी, अच्छा जलेबी टाइप का भाई, ये कुछ होता है मतलब रोटी ही। तो भाई कैसा लग रहा है नीले से यहाँ पर? भाई बढ़िया लग रहा है यार, एकदम घर वाला फील आ रहा है, लग ही नहीं रहा भाई कि हम कहीं बाहर है, ऐसा लग रहा है भाई अपने घर पे बैठे आराम से खा पी रहे। और ये भाई अंकल है ना भाई, इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना कल से, कि अगर हम लोग कहीं भी जाते ना, रात को अपने टेंट लगाए थे भाई, 10 बार चढ़ के गए थे ऊपर कि देखें खाना खा लो, पानी पी लो, चाय पी लो, ठीक है। और अंकल का भाई पैर भी टूटा है, ठीक है, कोई नहीं करेगा भाई, सीधे खड़ी चढ़ाई है भाई, बाहर से आपको भी दिखाता हूँ जीना, ठीक है, देख दिखा दो भाई,
खड़ा चढ़ाई है पूरा, ठीक है। और 10 बार अंकल चढ़ के गए थे, भैया खाना खा लो, पानी पी लो, भाई लग नहीं रहा कि भाई कहीं हम बाहर हैं, सच में लग रहा भाई घर पे ही हैं। देखो बच्चे 2 बार चाय पी चुके अब तक, ठीक है। एक बार उस घर से आई थी चाय, एक बार इस घर से आई थी चाय, ठीक है। बिस्कुट खिलाया अंकल ने, जबरदस्ती चाय पिलाई है, मन नहीं था भाई चाय पीने का, हमने कहा लेकिन पी लो, नहीं अंकल कहेंगे देखो हमारे फिर चाय नहीं पी। रात में भाई खाना बनाया, दाल बनाया, ठीक है, चावल बनाया, हर चीज़ हमारे लिए भाई बनाई, पूरा घर जैसा खाना खा रहा। तो भाई फिर खाते हैं इसको, और ये कुछ ऐसे रोटी जैसा है, मतलब अंकल इतना ध्यान दे रहे हैं कि क्या ही होता है भाई, एकदम घर जैसा है। पहले भी बोल चुके थे एकदम घर जैसा, अभी चाय पिया भी बोला ये खा लो। नेपाल की जलेबी, ये नेपाल की जो है जलेबी इसको बोलते हैं आंटी, क्योंकि जो है नेपाल गई है ना तो आंटी पूरा सारा कुछ बना करके गई है सुबह। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, हाँ ठीक। तो भाई और एक ये अंकल थे भाई, ये अंकल और एक ये अंकल, दो घर थे भाई यहीं पे रात में था, अंकल के साथ में भी बहुत सारी बातें हुई। ठीक अंकल जा रहे हैं, ठीक बाय बाय। आंटी नहीं है, आंटी पूजा कर रहे हैं। अच्छा पूजा कर रहे हैं, ठीक ठीक बता देना आंटी, ठीक अंकल। तो भाई निकल रहे हैं, एक ये घर था और एक भाई ये वाला घर था और एक ये भाई अंकल बैठे हैं। ठीक अंकल चल रहे, जा रहे अंकल, ठीक बाय बाय। हाँ हाँ ठीक। तो भाई अब यहाँ से जो है चल रहा है अब आगे की तरफ, ये पूरा हाईवे है, यहीं से जो है आगे गांव से निकल जाएंगे। ठीक अंकल। आंटी ये ऊपर क्या है? ऊपर व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट है, कितनी दूर होगा? दूर तो नहीं, ऐसे लगता है 3 मिनट जैसा, 3-4 मिनट लगता है। कहाँ से आए आपको? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से, ऐसे पैदल ही ना, होम स्टे में ठहरे थे? नहीं नहीं, ऐसे पैदल लिफ्ट लेके पूरा ऐसे भारत घूम रहे हैं। कैंपिंग करते हैं हम लोग, कैंपिंग टेंट रहता है हम लोग, रात के जहाँ होती है कैंपिंग करते हैं। भाई अभी हम खड़े हैं नेपाल में और ये पहाड़ी के नीचे दुकान है, यहाँ पे बैग रख दिया है, और ये जो नीचे ना ये इंडिया है और ये नेपाल है। यहाँ से दार्जिलिंग, इस जो पहाड़ी सामने दिख रही है वो दार्जिलिंग है, इधर मिरिक है नीचे साइड, और हमारा जो पीछे दिख रहा है भाई इधर ये कंचनजंगा की पहाड़ियाँ हैं ठीक नीचे, और ये सब जो भाई ये सब नेपाल में खड़े। इधर हमें पता ही नहीं था कि हम नेपाल में आए, वो जब दुकान में आंटी से बोल पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो नेपाल है पूरा। हमने कहा वाह एकदम भाई मज़ा आ रहा, आपको भी मज़ा आ रहा होगा ना वीडियो देख के, भाई देखा करो पूरा पूरा वीडियो भाई मज़ा आएगा। ये देखो ये कंचनजंगा की जो पहाड़ियाँ दिख रही, ये सारी कंचनजंगा की पहाड़ियाँ हैं ये सामने वाली भाई। पर ये लोग भाई देखो कितना गलत काम करते हैं। एक बात बोलना चाहेंगे, जैसे भाई इतनी अच्छी और सुंदर जगह पर आओ तो कम से कम ये भाई ये काम तो मत करो, ये डस्टबिन में डाल दो या कहीं, या अपना खाओ पियो तो बैग में डाल लो, कहीं भी कुछ रख लो। हो रहा कि हम नेपाल आ गए एकदम की, मतलब एक रोड है, रोड से ऐसे उतरो नेपाल और रोड पर खड़े हो इंडिया। बढ़िया लगा भाई देख करके, आपको भी बढ़िया लग रहा होगा। और ये देखो भाई पूरा ये सब जो हम खड़े हैं ये सब नेपाल है, पूरा पूरा ये सब नेपाल, और अभी चल रहे हैं सब इंडिया में। ये देखो इधर से ये सब पूरा जो है नेपाल है भाई, विदेश आ गए भाई विदेश। ये सब आप लोगों की वजह से ही हो रहा है कि कभी भाई सोचते थे कि नेपाल वोपाल, मतलब ये धीरे धीरे जैसे सपना पूरे हो रहे हैं ना, तो विश्वास नहीं हो रहा अपने ऊपर कि ये जो है धीरे धीरे ये सपना कि हम मतलब ऐसा ऐसा यहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ चले जाएंगे, ये आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है। और नहीं तो भाई हम कभी नहीं सोचा था कि अपने एक उन्नाव जिला से मतलब बाहर जाने के लिए, कुछ नहीं जानते थे अपने उन्नाव जिला के अलावा, पर आज आपकी वजह से भाई इंडिया तो इंडिया भाई बाहर भी एक अपना नेपाल भी घूम लिए हैं। बस यही कहना चाहते, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो भी कुछ है ना थोड़ा बहुत कुछ वो आपकी वजह से है। तो भाई ये अपना देखो बैग यहाँ पर रख दिया था दुकान में, ये आंटी की दुकान है। ये आंटी लकड़ियाँ क्यों रखे हो यहाँ पर? अच्छा आग जलाने के लिए, गर्म पानी के लिए, मोमो बनाने के लिए, लकड़ी में करते हैं ना गैस, तो खाली चाय बनाने के लिए। तो ये नीचे उजलता नहीं है जो लकड़ी की दुकान है पूरी, मतलब ये नीचे जो चूल्हा जलाती है तो यही जलाते थे, ऊपर जलाते, इसलिए तो बर्तन पूरा काला काला। अच्छा वहाँ पे अलग है वो पूरा। अच्छा ये पूरा ये रोड पर इंडिया है ये नेपाल है?
आपका घर कहाँ पर है? पीछे बस गांव में इधर हाँ पीछे इंडिया में है कि नेपाल में घर? नेपाल में, इंडिया से शादी करके मैं इधर आई। अच्छा तो भाई ये आंटी का जो घर इंडिया में भी है नेपाल में भी है दोनों जगह है। जैसे मेरी शादी यहाँ पे हुआ ना नेपाल में, मैं इंडिया से शादी करके इधर आई। अच्छा इंडिया से शादी करके नेपाल आई जी। तो आंटी भाई पहले इंडिया में रहती थी, अब शादी करके जो है नेपाल आई है। तो ये भाई छोटी सी दुकान है, हुक्का भी रखा है ये भाई ऐसा ये क्या है आंटी इसको? ये हम लोग तो डल्ले खुर्सानी बोलता है, इतना झाल होता है ये, एक दो खाने से पूरा झाल होता है। आप लोग मणिपुर वाला बोलता है ना, एक डालने से पूरा भैंसी वो होगा बोल के, झाल होता है। तीखा टाइप का एकदम तीखा, जैसे वो छोटा डिब्बा में ना, हाँ हाँ डेढ़ सौ रुपए का छोटा डिब्बा का है, डेढ़ सौ रुपए। ये मिर्चा है क्या? मिर्ची का बनता है, मिर्चा जैसे बोलते मिर्ची का। अच्छा ये जो आप बना रही हो इसका क्या बनता है? इसका मोमो, ये मोमोज में डालती हो? ये हो गया अभी सुन लिया, नेपाल का नहीं तो इंडिया का, एक एक सौ रुपया इंडियन करेंसी देना है। हम लोग 86 में कितना घर है नेपाल और इंडिया में। अच्छा पूरा मतलब नेपाल इंडिया की शादी हुआ, कोई भी फंक्शन हुआ एक दूसरे में अपना आ जाते हैं। जैसे अभी कुछ शादी वादी हो गया तो हम लोग नहीं तो उसके घर पे ऐसा चीनी मैदा लेके जाते हैं। फिर वो लोग जब नेपाल में किसी के घर में कोई बर्थडे वगैरह शादी अब किसी का डेट होगा तब वो लोग भी ऐसे आते हैं। जिस जैसे एक का डेट हो गया, हम लोग जिस दिन अब उसका डेट हो गया उसी दिन एक एक सौ रुपये भी लेके जाना पड़ता है। कहा नेपाल में? नेपाल में भी इंडिया में भी। अच्छा जिसका डेट हो गया तो वो रुपए को दिया जाता है? जैसे अभी किसी का घर में ये नहीं, अभी समाज है ना, समाज में तो अभी कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता। अच्छा अच्छा जो गरीब होगा उसको भी देना है, जो अमीर है उसको भी देना है, जो जिसकी मतलब अपने हिसाब से जितना उसका बजट अलाउ करता है। ऐसा होता है जैसे अभी किसी का डेट हो गया उसको सिर्फ एक एक सौ रुपया लेके जाते हैं, जो अमीर होने से भी गरीब होने से भी। फिर उसके बाद में जैसे बुद्धिस्ट का अलग हिसाब से क्रियाकर्म करता है, हिंदू का अलग से। बुद्धिस्ट का तो कभी 49 दिन में करता है, कभी 21 दिन में, हिंदू का तो 13 दिन में, किसी का 10 दिन में करता है ना। इसलिए उसमें से हम लोग जैसे आपकी इच्छा से लिख देते हैं किसी के घर पे, हजार से किसी का। अब जैसे मेरे घर में पहले 500 लिखा है तो उसके घर में जैसे 600 से। अच्छा एक प्रकार से जैसे जिसने 500 दिए तो वो भी अपना 500 या 1000 दे दिए। हाँ ऐसा होता है यहाँ पे। ऐसे हम लोग शादी और वो जब इंडिया और नेपाल का ना एक ही समाज है हम लोग का, एक ही समाज, एक ही मतलब भाषा भी नेपाली, यहाँ भी बोलते हैं नेपाली, यहाँ भी बोलते हैं, यहाँ भी नेपाली बोलते हैं। ठीक है ठीक, मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग पैसा भी ऐसे चलाते हैं ना, नेपाल इंडिया बराबर ही चलाते हैं, बराबर चलता है। जैसे इंडिया का भी लेके आओ चल जाएगा, नेपाल की भी लेके आओ चल जाएगा ना। लेकिन अभी इंडिया का पैसा घट गया है, नेपाल का थोड़ा बड़ा है। पहले जैसे नेपाल का 800 देने से इंडियन पैसा 500 देता था, 500 का 800 से मिलता था। अभी जो इंडिया का पैसा आप 500 दोगे ना तब वो 750 ही देगा, 750। अभी घट गया है इंडियन पैसा, पता नहीं कहाँ घट गया। हाँ ये तो चलता रहता है, ये तो पॉलिटिक्स भी है। हाँ वो देखो पानी ले रहे हैं ऐसे, ये केतली में यहाँ पे पानी रखते हैं और अपने यहाँ पर इसमें चाय रखते हैं। ये आंटी पानी कहाँ से लाती हो? पानी तो नीचे से कमान से, नीचे से लाना पड़ता है। हाँ। पानी की थोड़ा दिक्कत है। हाँ, यहाँ पे दिक्कत है। वहाँ नीचे एक घर पे रुके थे वो भी आंटी मतलब बाहर से पानी पीने के लिए लाती है, जो बारिश का पानी वो इकट्ठा कर लेती है। वो तो बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए तो काम आ जाएगा। मैं तो पीने वाला 6-7 जर्किन से एक खाली कर देता हूँ, फिर गाड़ी वाला को बोल देता हूँ ना पानी दे दो, बोलती हूँ लेके आता है। तो यहाँ पे तो पानी रुपए लेते हो? कितने रुपए लेते हो? पानी का नहीं जान पहचान। अच्छा ऐसे दे देते हैं? ऐसे दे देते हैं। एक्सक्यूज मी, ये कौन सा गांव है? पाचमेल। क्या नाम है गाँव का? पाचमेल। अच्छा इधर ये नेपाल है ये साइड? ये नीचे तक है गाँव? नीचे इसके आगे कौन सा गाँव है? नीचे नीचे पाँच मेल। अच्छा अच्छा अभी यहाँ पे ठंडी नहीं था, ऐसा ही मौसम रहता है हमेशा? गर्मी में भी ऐसा ही रहता है। थैंक यू आंटी। यहाँ से पशुपति नगर कितनी दूर होगा? पशुपति 4 मिनट। 4 मिनट ये नीचे पहाड़ी में है? नीचे नीचे नीचे। ओके यहाँ बैठ जाए इधर। अभी यहाँ पर जो है पानी पी रहे हैं, ये आंटी ने पानी दिया है। ये क्या है, यहाँ पे ठंडी रहती ना तो सब लोग गर्म पानी ही पीते हैं, तो भाई पानी पीते हैं। आंटी आपके घर में और कौन कौन रहता है? आपके घर में और कौन कौन रहता है? नहीं अकेले अकेले अंकल। अच्छा अंकल कहाँ गए?
अंकल कैंटीन। कैंटीन कहाँ पे है? खोपड़ेल। अच्छा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में? तो रोज आते हैं कि मतलब अप डाउन रोज करते हैं घर? वही रहते हैं अंकल? हाँ। आर्मी है ना? आर्मी में है? आर्मी। अच्छा अच्छा, रिटायर हो गया। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पे ठंडी ऐसा ही मौसम रहता है ना? ठंडी पूरा ऐसा, बहुत ठंडी, बहुत ठंडी, तो इसीलिए गर्म पानी सही रहता पीने के लिए। ताजा पानी, ताजा पानी, ताजा पानी कहाँ से? यहीं से मिल जाता होगा पानी? अच्छा, नहीं। तो भाई ये देखो आंटी का कुछ ऐसा है किचन है, ये देखो भाई, तो ये भाई अपना कुछ ऐसा मकान है। ये यहाँ की लोकल, इसको क्या बोलते हैं? चाय पत्ती को? चाय पत्ती को आपकी लैंग्वेज में? बगान है ना? अच्छा, आपका बगान है? हाँ, और ये कौन सी पत्ती आंटी जो लंबी वाली है, ये चाय में जो डाला है? हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं? तेज पत्ता। तेज पत्ता, अच्छा अच्छा, इससे स्वाद आता है। इसको एक मिनट इधर रखिए। तो भाई ये देखो अपनी चाय आ गई है, तो आंटी ने चाय भी बना दिया, तो चाय वाय पीते हैं। काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा भाई यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, बहुत प्यार मिल रहा है और सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो ये भाई कुछ है, ये आंटी, तो भाई ये देखो आंटी चाय दिखा रहे हैं, चाय, ये सूखा चाय, यहाँ का जो लोकल चाय है ना, ये चाय पत्ती ऐसा है भाई, यहाँ की लोकल चाय, ये देखिए ना। बस इसको आंटी ऐसे डाल के चाय बन जाती है इसकी, ऐसे इसकी चाय बन जाती है इसको डाल के। हमारे वहाँ चाय पत्ती एकदम, हमको लगता है लोकल वाली रहती है। ये भाई ओरिजिनल एकदम चाय पत्ती है, ये देखो भाई ये वाली चाय पत्ती है, इसको ये देखो भाई ऐसे, ये घर के है ना? घर की है ना, ऑर्गेनिक। तो भाई यहाँ का जो चाय रहता है नुकसान नहीं करता, जैसे दूध वाली हम चाय पीते ना वो, उससे शुगर हो जाएगा, पर ये जो चाय अपना पीने से ना कुछ नहीं होगा। ये तो अपने चाय देखो भाप निकल रहा है ना, गए, और ये जो पीछे दिख रहा ना, यहाँ से नेपाल जाने की जो है रास्ता है पूरी, और ये सारा कुछ जो है नेपाल में ही लगता है। यहाँ से नेपाल की जो है पुलिस भी लगी है, तो यहाँ से एंट्री पैदल चलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, और मौसम भी एकदम अच्छा है, तो हमने धीरे धीरे वहाँ से पैदल चलते चलते 2 किलोमीटर आ गए हैं, और मौसम अच्छा है तो इसीलिए चलने में मज़ा आ रहा। अपना गाना बजा लिया और गाना सुनते सुनते नज़ारों के साथ में भाई चलते चलते इन नज़ारों के साथ में एकदम चल रहे धीरे धीरे। जहाँ रुक जा रुक जा रुक जा, आ जा रुको। अरे भाई ये जो कुत्ता है ना हमारे साथ 2 किलोमीटर से भाई साथ चल रहा, पीछे जा ही नहीं रहा है। ये देखो आगे आगे, ये क्या आंटी बाल्टी में? ये बाल्टी में पानी। अच्छा पानी है, पानी हम सोचे और कुछ है आप बेच रही हो। वो मूला गाजर। अच्छा ये आपका है मूली गाजर? तो भाई ये देखो भी ये दुकान लगी है, ये देखो इसको क्या बोलते हैं अंकल? ये क्या है? ये हैंडमेड टी। टी है? टी टी टी, हैंडमेड टी। हैंडमेड टी है? हैंडमेड टी, हाथ से बना हुआ। अच्छा हाथ से बना हुआ ये टी है? हाँ। और ये जो दालें हैं ये सब पहाड़ी नेचुरल ऑर्गेनिक दाल है। ऑर्गेनिक दाल है। और ये कोदो का पीठू मिलेट। ये क्या है? कोदो का पीठू, कोदो मिलेट, मिलेट मिलेट हाँ मिलेट। ये फाफा बक और मेज राइस। ये राइस है? हाँ मेज राइस है, मकई का भुट्टा। अच्छा अच्छा मकाई का भुट्टा। ये कैसे खाया? रोटी बना के खाते हैं? रोटी ना भात जैसे खाना सकता है, भात जैसे, और भात में मिला के, और डायरेक्ट पकाना भात जैसे पकाना खा सकता है। और ये टर्मरिक है, पहाड़ी टर्मरिक हल्दी। हल्दी? अच्छा पहाड़ी हल्दी, पहाड़ी हल्दी। ये चिया सीड है, पहाड़ी चिया सीड। दिस वन फ्लैक्स सीड। ओके ओके ओके। दिस वन नेपाली खुकरी। हाँ ये तो खुकरी है आपकी। हम पहुँच चुके हैं सिमाना बाजार, और यहाँ पे जो है होम स्टे भी है, और यहाँ से पीछे से एक व्यू पॉइंट था जिससे पूरा नेपाल दिखता है। ये पूरा हाईवे ही है नेपाल और इंडिया का बॉर्डर। ये रोड जो है ऊंचा है, नीचे पूरा नेपाल है, और ये पूरा जो है ये मार्केट है। को लिफ्ट मिल गई है भाई के साथ। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुशाल है। कुशाल है, तो दार्जिलिंग तक ही चल रहा है, तो वहीं तक भाई दार्जिलिंग तक चल लेंगे। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है, हमारा जो कैमरा है वो तो स्विच ऑफ हो गया पूरा, जो चार्ज किया था। एक बैटरी और है, 2 बैटरी है, पर अब वो आगे जाके चेंज करेंगे। अब दार्जिलिंग यहाँ से 7 किलोमीटर है, पहुँच जाएंगे, पर यहाँ पूरा भाई ठंडी लग रही है। उतरते जैकेट वैकेट पहन लेंगे, कहे कि अभी भाई 2 दिन पहले पूरा जुकाम उकाम से हालत ख़राब थी, अब थोड़ा जा करके सही हुआ तो अपना भाई। दार्जिलिंग पहुँच गए हैं, और हमारे सामने से देखो यार टॉय ट्रेन जा रही है। चलो भाई जाने दो, क्या ही करें। एक बार ये देखो भाई, ये देखो ट्रेन डगर गई है। चलो देखते हैं जब आएगी। और ये कुछ, ये भाई ऐसा स्टेशन है, इसको बोलते हैं भूमि, ये वाला स्टेशन है। और ये एक भाई ट्रेन खड़ी है, टॉय ट्रेन, ये तो ऐसे ही
नमूना में खड़ी है सिर्फ। असली वाली तो ट्रेन चली गई है, उसको भाई आपको जो है दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। ये देखो भाई अब असली वाली चली गई है, अब जब आएगी ना असली वाली ट्रेन तब दिखाएंगे। और अभी हम यहीं पर हैं, अब जो दूसरे वीडियो में दिखाएंगे असली जो ट्रेन यहाँ से वो गई है ना, क्योंकि इसका टाइम होता है कि कितने बजे ट्रेन आती है। अब लेट अब हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और ये कुछ ऐसा स्टेशन है।